हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं आपकी पहली क्लास मैथ्स से, क्लास सिक्स की। चैप्टर वन क्या है आपका? नोइंग आर नंबर्स। स्टूडेंट्स, जब हम वर्ड नंबर बोलते हैं तो आप सभी के दिमाग में आता होगा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, राइट? तो इसकी डेफिनेशन क्या है? नंबर्स आपका एक अर्थमेटिक वैल्यू है, बेसिक यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है? जिसे हम यूज़ क्यों करते हैं? हम यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए, मेजरिंग के लिए या फिर कंपेयरिंग के लिए। पहला है आपका काउंटिंग। इसका एग्जांपल लीजिए, हमने आपसे कहा कि हमने पहले आपको 2 टॉफ़ी दी, ठीक, फिर हमने आपको बाद में 3 और दे दी, तो टोटल आपके पास कितनी टॉफ़ीज़ हैं? 5। तो आपके पास टोटल 5 टॉफ़ीज़ हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम काउंट कर रहे हैं। मेजरिंग का क्या मतलब है? मेजरिंग का मतलब है कि जब हमने आपसे कहा कि हमें किन्हीं 2 स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर करना है या फिर उनके वेट को मेजर करना है, तो ये क्या हो गया आपका? मेजरिंग, ठीक। इसका यूज़ भी हम नंबर्स के ही थ्रू करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कंपेयरिंग की। कंपेयरिंग, हमने आपसे जैसे एग्जांपल दिया कि हमें किन्हीं 2 बच्चों के मार्क्स को देखना है कि कौन फर्स्ट है और कौन सेकेंड, तो हम क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे, ठीक है? हम क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं काउंटिंग नंबर्स की। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स दैट वी कैन यूज़ टू काउंट थिंग्स। जैसे अभी हमने बताया, हमने कहा कि आपके पास टोटल कितनी पेंसिल्स हैं, तो किसी बच्चे के पास 3 हो सकती हैं, किसी के पास 4, किसी के पास 1, ठीक। तो काउंटिंग नंबर्स आपके क्या होते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन, दीज आर ऑल योर काउंटिंग नंबर्स, ठीक। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड सो ऑन, यानी कि वो नंबर्स जो कि 1 से शुरू होते हैं और वो चलते जाते हैं, 99, 100, 101 एंड सो ऑन, ठीक। बट मेन चीज़ क्या है? नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, ठीक। अच्छा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट कैसे करते हैं? हम डिनोट करते हैं n से। जैसे कि n इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। डैश डैश का मतलब है सो ऑन, ओके? आपको पता है इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो सो ऑन। अब बात करते हैं नंबर 0 की। 0 का क्या मतलब है? 0 रिप्रेजेंट्स नो अमाउंट और नो ऑब्जेक्ट। 0 का मतलब है कि हमारे पास कुछ नहीं। एग्जांपल लीजिए इसका। हमने आपसे कहा कि हमने आपको 2 टॉफ़ीज़ दी, वो दोनों टॉफ़ीज़ आपने खा ली, तो आपके पास कितनी टॉफ़ीज़ बची? आपके पास 0 टॉफ़ीज़ बची, यानी कि 1 भी नहीं, नथिंग, ठीक। 0 को हम अगर इंडियन सिस्टम में बोलें तो हम शून्य बोलते हैं, शून्य। और अगर हम अरबिक सिस्टम में बात करें तो इन्हें वहाँ हम साइफर कहते हैं, यानी कि 0 के ही अलग अलग नाम। 0 इंग्लिश में हो गया, शून्य इंडियन में हो गया और साइफर अरबिक सिस्टम। समझ में आया? ठीक। अब बात करते हैं होल नंबर्स। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और सो ऑन चलते जाते हैं, ठीक। बट आपके होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन चलते जाते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, नंबर 0 टुगेदर विद नेचुरल नंबर, यानी 0 और सारे नेचुरल नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे? होल नंबर, ठीक। अच्छा, होल नंबर के सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? W से। इसे हम लिखते कैसे हैं? W इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें भी 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे 0। अगर आपसे किसी ने पूछा कि लार्जेस्ट होल नंबर क्या है, तो आप बोलोगे देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, ठीक है। जैसे कि आपका कोई लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं था, वैसे ही आपका कोई लार्जेस्ट होल नंबर भी नहीं, ठीक। तो आज आपकी ये पहली क्लास थी और हमने आपको ये 5 टॉपिक्स पढ़ाए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
ओके बाय बाय।